गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फिफ्थ सब्ट्रैक्शन। देखिए बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम की एक्टिविटी कर चुके थे। नेक्स्ट आती है हमारी मेंटल मैथ्स। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंस एंड हंड्रेड्स, टेंस और हंड्रेड का सब्ट्रैक्शन। जहां टेंस और हंड्रेड का सब्ट्रैक्शन आता है, वहां पर आपको टेंस की पोजीशन पर ही जीरो से बड़ा नंबर मिलेगा। वहां पर आपको टेंस की या हंड्रेड की पोजीशन पर जीरो से बड़ा नंबर मिलेगा, उसके अलावा आपको जीरो मिलेगा। देखिए, यहां पर हंड्रेड की पोजीशन पर जीरो से बड़ा वन है और बाकी क्या है, जीरो है। यहां पर हंड्रेड की पोजीशन पर जीरो से बड़ा टू है, बाकी क्या है, जीरो है। यहां पर टेंस की पोजीशन पर जीरो से बड़ा सेवन है और बाकी जीरो है। यहां पर टेंस की पोजीशन पर जीरो से बड़ा वन है, बाकी जीरो है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन वाले नंबर में ये देखना है, जहां पर टेंस की पोजीशन पर अगर वन है तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिक्स माइनस वन कितना होगा, सेवन। देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें से हम वन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए, ये वन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा, वन टू थ्री फोर फाइव फाइव। अब बाकी अगर दोनों नंबर में अगर जीरो है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जीरो, और अगर जीरो नहीं है तो जो ऊपर नंबर है वो हम लिख देंगे यहाँ पर। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए नीचे जीरो है और यहाँ पर वन है, तो हम सिक्स में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स में से वन सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, हमने फाइव लिखा। बाकी अगर देखिए, ये तो जीरो है लेकिन ये जीरो नहीं है, तो जो ऊपर नंबर बचते हैं वो नंबर हम एज इट इज उतार देंगे। जैसे ये एट ऐसे कैसे उतार दिया क्योंकि नीचे जीरो है, और थ्री को भी ऐसे कैसे उतार दिया क्योंकि नीचे जीरो है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। यहां पर देखिए, ये जीरो ऐसे कैसे है, 15 बचेगा। देखिए क्या बचा हमारे पास, 15 माइनस सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। इसमें से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, सेवन। देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सेवन मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, कितना बचेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट बचेगा। तो 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, एट बचा। तो 150 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 बचेगा। इसी तरीके से देखिए, यहां पर जीरो है तो हमें सिर्फ क्या करना है, टू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव में से जब आप टू सब्ट्रैक्ट करेंगे वन टू, कितना बचता है, थ्री, और ऊपर का नंबर हमें ऐसे का ऐसा ही लिखना है। और इस तरीके से हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। टेन में से हमने देखिए टेन्स को सब्ट्रैक्ट किया है, और हंड्रेड में से हंड्रेड को सब्ट्रैक्ट किया है। ये हंड्रेड की डिजिट सिक्स है, ये हंड्रेड की डिजिट वन है, इसको सब्ट्रैक्ट किया है। बाकी ऊपर के जो नंबर है वो हमने एज इट इज लिखे। तो इस तरीके से आप ये बाकी के क्वेश्चन खुद करेंगे। नेक्स्ट आता है, देखिए, राइट द नंबर सब्ट्रैक्टिंग 10 ईच टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन है, राइट द नंबर
subtracting 10 each time starting from. ये 538 से शुरू हो रहा है और हमको हर बार इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करते हुए इसको लिखना है. तो कैसे लिखेंगे इसको देखिए. सबसे पहले मैंने इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा ये देखिए. सिर्फ मुझे 10 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा. बाकी के डिजिट ऐसे कैसे ये 8 ऐसे कैसे है. 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 ऐसे कैसे है. तो 538 के बाद कितना आ गया 528. अब 528 में से जब आप 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा देखो 8 एज इट इज. 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1 और 5 एज इट इज कितना आ जाएगा 518. इसमें से जब आप फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए 10 को तो ये आ जाएगा 508. फिर से इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये 10 सब्ट्रैक्ट किया मैंने 88 एज इट इज. अब 50 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 में से 1 का मान कितना होता है 49. ये कितना जाएगा इसके बाद 498. इसमें से फिर 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 478 478 468 इस तरीके से आता जाएगा जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. और ऐसे ही नेक्स्ट नंबर क्या जाएगा 458. इस तरीके से नेक्स्ट देखिए राइट द नंबर सब्ट्रैक्टिंग 100 ईच टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 957. आपको क्या करना है हर बार उसमें से 100 कम करना है. देखिए मैंने इसमें से 100 कम किया कितना आएगा 7 एज इट इज. 5 ऐसे के ऐसा ही. 9 में से 1 को कम करोगे तो कितना आएगा 8 कितना आएगा 857. देखिए हमने 9 में से 1 किया कम तो 857 आया. नेक्स्ट टाइम हमें फिर से 100 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा देखिए 7 एज इट इज. 5 एज इट इज. 8 में से 1 कम किया तो कितना आया 7. तो आप देख रहे हैं 57 इसमें भी आ रहा है 57 इसमें भी आ रहा है लेकिन पहले 9 था फिर 8 हुआ और फिर 757. तो नेक्स्ट जब आप 100 कम करेंगे तो कितना आएगा ये 57 ऐसे कैसा ही और 7 में से 1 कम हो जाएगा कितना आएगा 6. नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो आएगा 557 457 357 257 257 157 157. इस तरीके से ये नंबर आएंगे. तो ये दो क्वेश्चन मैंने करके दिए हैं बाकी के इनसे संबंधित क्वेश्चन आप खुद करेंगे. नेक्स्ट आती है हमारी रिवीजन वर्कशीट. देखिए रिवीजन वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सब्ट्रैक्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जैसे कुछ मैं आपको कराता हूं बाकी आपको खुद करने हैं. देखिए 1-0 मैंने आपको बताया किसी भी संख्या में से जब हम 0 को घटाते हैं या किसी भी नंबर में से हम जब 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर आता है जिसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. कौन से नंबर में से कर रहे हैं 1 में से तो यहां पर क्या आएगा 1. देखिए 3-3 जब किसी नंबर को हम उसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 को 3 में से ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा 0. देखिए कैसे 1-2-3 है और इसमें मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 1-2-3. अब मेरे पास कुछ बचा क्या नहीं बचा कितना बचा है 0. तो मैंने 0 लिखा.
11 माइनस 6, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 माइनस 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हमारे पास कितना बचेगा? 1, 2, 3, 4, 5. तो ये आप क्विक सब्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करके भी सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स में से। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, इसमें बिना रीग्रुपिंग वाला क्वेश्चन है, यानी हमें टेंस की रीग्रुपिंग वंस में नहीं करनी और हंड्रेड की रीग्रुपिंग टेंस में नहीं करनी है, हमें सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करना है। फोर में से टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? वन टू थ्री फोर, फोर में से मैंने टू सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आया? टू। सेवन में से फाइव को सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फाइव सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, वन टू थ्री फोर फाइव, सेवन में से फाइव सब्ट्रैक्ट किया तो भी कितना आएगा? टू। देखिए एट में से सिक्स सब्ट्रैक्ट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसमें से सिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितना बचेगा? टू। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 222। इनको इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने किए हैं, बाकी आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, रिग्रुपिंग 110 टू वंस। ये रिग्रुपिंग 110 टू वंस, आपको पता है कि 110 किसके बराबर होता है? 10 वंस के बराबर। 10 वंस मिलकर के क्या बनाते हैं? 110। इसलिए 110 किसके बराबर हो गया? 10 वंस के बराबर। और 10 tens यानी 100, 100 किसके बराबर हो गया? 10 tens के बराबर, यानी 10 tens मिलकर के क्या बनाते हैं? 100। तो हम यहां पर देखते हैं, देखिए ones में 0 है, tens में 5 है, 100 में 8 है, हमें किसकी रीग्रुपिंग करनी है? tens की। तो यहां पर कितना है? 5 tens है, हमें 110 की रीग्रुपिंग करनी है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 110 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बच जाएगा? 410। कितना बच जाएगा? 410। तो हमारे पास tens में कितना बच जाएगा? 4। हमने किसकी रीग्रुपिंग करनी है? 110 की, और 110 किसके बराबर है? 10 मंथ्स के बराबर। किसके बराबर है? 10 मंथ्स के बराबर। और हमारे पास यहां पर मंथ्स में कितना है? 0 है, प्लस 0 मंथ्स, 10 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 10। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 10। तो देखिए हमने 5 टेंस में से 110 की रीग्रुपिंग कर दी, किसमें? वंस में। इसी तरीके से यहां पर देखिए हमें क्या करना है? 100 की रिक्रूटिंग करनी है, किसमें? टेंस में। तो कैसे करेंगे? देखिए यहां पर वंस में 9 है, टेंस में 5 है, और 100 में 7 है, 700। जब आप 700 में से 100 को घटाएंगे, 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 600। कितना बचेगा? 600। तो 600 को हम 100 वाले बॉक्स में लिखेंगे, 600। और हमें रिग्रुपिंग किसकी करनी है? 100 की। तो ये हमारे पास 100 है, इसकी रिग्रुपिंग करेंगे। और आपको पता है 100 किसके बराबर होता है? 10 टेंस के बराबर। तो देखिए 1
100 इक्वल टू 10 टेंस। ये हमारे पास 10 टेंस आ गए, 10 टेंस, और पहले से ही हमारे पास 5 टेंस और हैं। कितने हैं? 5 टेंस और हैं, तो 10 टेंस प्लस 5 टेंस कितने हो गए टोटल? 15 टेंस। कितने हो गए? 15 टेंस। अब हम टेंस में के कॉलम में क्या लिखेंगे? 15 टेंस। देखिए 10 टेंस कहां से है हमारे पास? हमने इस 100 की रिग्रुपिंग की है तो हमें 10 टेंस मिला, और 5 टेंस हमारे पास पहले से ही था। 10 टेंस और 5 टेंस मिलकर कितने हो गए? 15 टेंस, और ये 9 वंस ऐसे के ऐसे यहां पर। तो इस तरीके से हम 100 की रिग्रुपिंग करेंगे टेंस में और टेंस की रिग्रुपिंग करेंगे वंस में। ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, जो हमें रिग्रुप करके सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट बाय रिग्रुपिंग। इसमें हमें 450 में से 275 को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे? रिग्रुपिंग की हेल्प से। देखिए यहां पर वंस के कॉलम में जीरो है और सब्ट्रैक्ट हमें 5 करना है, तो जीरो में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये जीरो क्या करेगा? इस 10 से 1 बोरो लेगा। तो देखिए 5 टेंस है, ये 1 10 बोरो दे देगा। 1 टेंस में बोरो दे दिया तो ये कितना बच गया? 4 टेंस। ये कितना बच गया? 4 टेंस। मैंने यहां पर लिखा 4, ठीक है। 1 टेन इसने बोरो दे दिया, और आपको पता है 110 किसके बराबर है? 10 वंस के बराबर। 10 वंस, यहां पर 0 वंस है, 0 वंस और 10 वंस, 10 वंस प्लस 0 वंस कितने हो जाएंगे? 10 वंस ही रहेंगे, क्योंकि किसी नंबर में 0 जोड़ते हैं तो उतना ही रहता है। तो ये कितना हो गया? देखिए 10 हो गया। अब 10 में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5 कितना बचेगा? 1, 2, 3, 4, 5 यहां हमने 5 लिखा। अब देखिए यहां पर 5 नहीं है, 5 ने 1 बोरो दे दिया था, तो कितना रह गया था यहां पर? 4। 4 में से 7 नहीं रह सकता है, इसलिए ये एक टेंस वाला 4 इससे बोरो लेगा। तो यहां पर देखिए 400 है, 400 है, ये 100 बोरो दे देगा, तो कितना बच जाएगा? 300 बच जाएगा 100 बोरो दे देगा। ये 4 की बजाय कितना बचेगा? 3, और ये 4 टेंस है। अब इस 100 की हम रिग्रुपिंग करते हैं। 100 किसके बराबर होता है? देखिए 100 10 टेंस के बराबर, 10 टेंस, 10 टेंस, तो ये आ गए हमारे पास, और 4 टेंस पहले से ही है प्लस 4 टेंस कितने हो जाएंगे टोटल? 14 टेंस। कितने हो जाएंगे? 14 टेंस। तो इस 14 टेंस में से आप क्या कर सकते हैं? 7 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना बचेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ही बचेगा। अब हमारे पास देखिए 100 में 4 नहीं है, 4 में 1 बोरो दे दिया था इसको, इसलिए 3 बचा हुआ है। 3 में से 2 आप कम करेंगे तो देखिए कितना बचेगा। अगर ये आपके पास 3 है, इसमें से आपने 2 कम कर दिए, तो कितना बचेगा? 1।
ये इसका आंसर आएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए रीग्रुपिंग के मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करा दिए और ये सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्ट एंड चेक द आंसर बाय एडिशन। देखिए सिक्स क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट एंड चेक द आंसर बाय एडिशन। 600 में से 284 आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो मैंने इनको कॉलम वाइज लिखा है। देखिए वंस के कॉलम में 04, टेंस के कॉलम में 08 और हंड्रेड के कॉलम में 62, यानी 600 में से 284 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ देखिए वंस में 0 है, 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए वंस 10 से क्या लेगा 4। लेकिन टेंस के पास भी 0 है, ये इसको 4 नहीं दे सकते क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं। तो ये पहले क्या करेगा, पहले ये कहता है कि पहले मैं 100 से बोलो ले लेता हूं फिर आपको दे दूंगा। तो ये 100 से बोलो लेता है, 100 से जब बोलो लेता है तो यहां पर है 600 और इसमें से 100 इसने बोलो दे दिया। जब 100 बोलो दे दिया तो कितना बच गया, 500 यहां पर बच जाएगा, 6 के बजाय कितना जाएगा 5, और इसने इसको बोरो दे दिया तो ये कितना बच जाएगा 100 किसके बराबर होता है, हमने अभी पढ़ा था 10 पेंस, तो ये कितना बच जाएगा 10 पेंस बन जाएगा। अब ये तो 10 पेंस बन गया, लेकिन अब ये इसको बोरो देगा, वंस को बोरो देगा, तो 10 पेंस में से 110 बोरो का घटा देते हैं, 110 इसने बोरो दे दिया, 10 पेंस में से 110 बोरो दे दिया तो कितना बच गया 9 पेंस। तो यहां पर कितना बच जाएगा 10 पेंस के बजाय 9 पेंस, और 110 बोरो दिया है, 110 किसके बराबर होता है 10 वंस के बराबर, तो इसने इसको 1 बोल दिया तो ये कितना बन गया 10 वंस। अब 10 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 10 में से जब आप 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3। अब ये हमारा आंसर सही है या नहीं है इसको ऐड करके हम चेक करते हैं। तो ऐड करते हैं, देखिए जो आंसर आया है 316, इसमें हम जो नंबर हमने सेपरेट किया है उसको ऐड करते हैं, 284 इसको हमने ऐड किया। देखिए 6 प्लस 4 कितना हुआ 10, 10 के लिए 0 हमने इस कॉलम में लिखा वंस के कॉलम में और 1 नेक्स्ट कॉलम में कैरेज में लिखा, 1 और 1 2 और 8 10, वापिस से 10 आ गया, 10 के लिए फिर हमने 0 लिखा और 1 नेक्स्ट कॉलम में कैरी जाएगा, 1 और 3 4 4 2 6 600 वही नंबर आ गया जो हमारा पहले था, वही नंबर आ गया है। तो हमने एडिशन करके इसको चेक कर लिया है, तो हमारा चेक करने पे हमने देखा हमारा नंबर सही आया है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है जो वर्ड प्रॉब्लम का है और ये पेज नंबर 50 पर, पेज नंबर 50 पर क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम में, वही क्वेश्चन आपको यहां पर दिया हुआ है। इसमें आप पिछले क्वेश्चन को देखकर हेल्प ले सकते हैं या इसको बिना देखे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये रिवीजन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और पीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझकर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू।